फलदार फूलदार औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी मुंदी रोड मिश्रा पेट्रोल पंप के पास खंडवा कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में आज श्रावण माह के पहले सोमवार को लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने माँ नर्मदा का स्नान करने लाखों लाख श्रद्धालु आज ओमकारेश्वर में दिखाई दिए। सुबह से ही कपाट खोल दिए गए थे और सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइन भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लगी हुई थी। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस प्रशासन की सुरक्षा को लेकर पुख्ता व्यवस्था रही। गौरतलब है कि श्रावण माह में लाखों लाख श्रद्धालु ओमकारेश्वर पहुंचते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, क्योंकि ओमकारेश्वर में माँ नर्मदा भी भोलेनाथ जी के साथ मौजूद हैं, इसलिए इस स्थान का अति विशेष महत्व है। साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है धार्मिक एंगल से, जिसको लेकर यहाँ वैसे तो साल भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है, परंतु ओमकारेश्वर में यह भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। खंडवा कलेक्टर अरूप कुमार सिंह, SP विवेक सिंह लगातार ओमकारेश्वर के दौरे कर रहे हैं और श्रावण माह की तैयारियों को लेकर कई बार बैठ के कर चुके हैं और इस समय उनकी नज़र भी ओमकारेश्वर में बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, होमगार्ड की टीम तैनात है और किसी तरह की श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो इसको लेकर स्थानीय प्रशासन की टीम को कलेक्टर ने भी निर्देश दिए थे। फलदार फूलदार औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी मुंदी रोड मिश्रा पेट्रोल पंप के पास खंडवा कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं।